सो फ्रेंड्स, तो आज के ट्रेलर रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर की, जिसे देखने के बाद बाकी की करेंगे बातचीत, क्योंकि उसे लेकर मैंने बहुत कुछ सुना है और ईमानदारी से कहूँ तो अब तक मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, जो कि मैं अब देखूंगा। बाय द वे, ट्रेलर हिंदी में है, तो चलिए आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए आवाज़ को थोड़ा कम कर शुरू करते हैं इसके ऑफिशियल ट्रेलर को। अब हो गया। तुम बड़े ही दिलचस्प इंसान हो, स्कॉटलैंड। तुम एक अवेंजर हो। आवाज अच्छी नहीं हिंदी। तुम्हारी बेटी भी है। एक मिनट, ये कैंग की वॉइस है। और तुम बहुत समय खो चुके हो, ठीक मेरी तरह। आवाज थोड़ी बड़ा था। लेकिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो विश्वजीत ने बताया था, उसकी बेटी का लालच, टाइम का स्पेंड करने वाला लालच, इट्स अ गुड थिंग। कौन हो तुम? और हिंदी डबिंग जो तुम्हें वो दे सकता है, मैच नहीं हो रही है। चाहिए। और वो क्या है? वक्त। वो हमारा वजूद लिख सकता है, समय रेखा पर बात कर सकता है, उस पर भरोसा। नहीं, वेरिएंट नहीं है ये आदमी। वो टाइम के साथ में छेड़छाड़ कर बहुत कुछ खो चुका, दो कैरेक्टर बना सकता है और मुझे वो सब वापस पाने का मौका मिल सकता है। भाई ये क्या है? नेक्स्ट मंथ। चलो तुम्हें आसान तरीके से समझाता हूँ, जो कहता हूँ वो मुझे ला कर दो, वरना जो भी तुम्हें प्यारा है मैं वो सब मिटा दूंगा। जबरदस्ती, मतलब उसको कुछ चाहिए। थियरी तो वही थी, मोडक की कुर्सी। उम्मीद करो वो तुम्हारा ये हाथ ना देखे। तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। अच्छा, बेटी उसके पास है। तुम्हें लगा मुझसे जीत जाओगे? भाई आवाज सुनी नहीं जा रही, बहुत बेकार है। मैं भले ही हार जाऊं पर तुझे जीतने नहीं दूंगा। बट ये फिल्म यही बताएगी ना कि कैंग का कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। वो सब एंड मोडॉक को भी दिखा दिया और वो फेसलेस भी दिखाया था। आई थिंक मेरी नज़र नहीं गई, मैं क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं दिखा है। बट ठीक है, ट्रेलर अच्छा है, पहले टोन से काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है और शायद ये चीज़ मार्वल वालों को समझ आ रही है कि उनके फैंस को क्या चाहिए और यही चीज़ वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक इस फिल्म को वो चीज़ करना भी चाहिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट जो मिल रही है उसे आप सभी को पता है उस बारे में कि एमसीयू की फिल्में फ़िलहाल तो वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रही है जो एक्चुअल में फ़ैन्स को चाहिए, या फिर सिंपली कहूँ एमसीयू के डाई हार्ड फैंस को चाहिए। इसके अलावा सीरीज़ में भी उन लोगों ने जिस तरीके का ऑप्शन दिया है, देखो और स्किप कर दो, उसमें भी उनकी बात अच्छी नहीं बन पा रही है, क्योंकि कंटेंट उनके पास इतने ज़बरदस्त है और बहुत सारे हैं जिसे वो लोग थोड़ा शांति से और अच्छी तरीके से लोगों के सामने डिलीवर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, एक साल में मुझे लगता है उन्हें 3 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ नहीं करनी चाहिए। और बात रही सीरीज़ की, तो उनका भी अगर मार्क कहते हैं ना कि 3 रखोगे तो बहुत ज़्यादा ठीक होगा। 4-4 में कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कंज्यूम करने वाली बात भी है उसमें, अच्छा बुरा फिर आप स्किप करोगे तो ऐसे यूनिवर्स बिल्ड नहीं होता भाई। खैर, तो जैसे कि मैंने कहा कि शायद एमसीयू वालों को ये चीज़ समझ आ गई है, इसलिए वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। आई होप कि ये फिल्म, आई थिंक ब्लैक पैंथर ने जो एरा ख़त्म किया है फेज़ 4 का, तो फेज़ 5 की शुरुआत ये फिल्म बहुत ही अच्छे से करे। और बात रही कैंग के कैरेक्टर की, तो उसे देखकर फ़िलहाल तो अभी वो डर नहीं लग रहा है, और फिर से कहूँगा शायद ये फिल्म वो चीज़ कर देगी। बस तो फिर इतना ही, बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए, जैसे कि ब्रेकडाउन जो सभी लोगों ने कर दिया है, अगर करवाने की बात है तो आप कमेंट में या फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर मुझे उस बारे में बता सकते हैं कि मैं वो चीज़ करूँ या नहीं करूँ। इसके अलावा रिएक्शन में इतना ही होता है, बाकी मैं हूँ अजीज़, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन।